ओके, गुड इवनिंग हमारे सभी प्यारे विद्यार्थियों। जैसा कि अभी हम लोग इसके पहले दो पासे की क्लास लोड किए थे माली स्टूडेंट कोचिंग के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर, और उन दोनों क्लास को आप लोग बढ़िया से देखे होंगे। जैसा कि मैं उम्मीद करता हूं कि वो दोनों क्लास आपको अच्छी लगी होगी, और आज हम लोग तीसरी क्लास लेकर आ रहे हैं जो पासे की वन फेस कॉमन की है, जिसमें हम दो तीन क्वेश्चन इसके पहले किए भी थे। इसके पहले तो हम लोग क्वेश्चन किए थे, लेकिन अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग करेंगे क्या कि क्वेश्चन के साथ साथ ओपन डाइस पर सवाल करेंगे, क्वेश्चन मार्क होगा प्रश्न में। जैसा कि ये सारी बातें हम डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन में करें तो ज्यादा बेहतर होगा। आइए उम्मीद करते हैं कि हम लोग जो पासे की थर्ड क्लास है उसको बढ़िया से मेहनत से पढ़ें, ताकि आपको बढ़िया से चीजें समझ में आए। बस आपको एक बात ध्यान में रखना है, धैर्य पूर्वक अच्छे से ईमानदारी से मेहनत करिए। बाकी सारी बातें करने का समय नहीं है, क्योंकि ये सब चीजें फिर हो जाएंगी, लेकिन जब क्लास चल रही है तो क्लास क्लास के तरीके चले। आइए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आइए सभी लोग बोर्ड पर, जैसे यहां पर एक क्वेश्चन हम लेते हैं, ये देखिए हम क्वेश्चन यहां पर ले रख रहे हैं। हम लोग ये क्वेश्चन रख रहे हैं और इस पे बात भी करेंगे। देखिए ये ए हो गया, ये बी हो गया, सी, अब पहला दूसरा तीसरा भी कर सकते हैं। अब देखिए यहां पर आप इसे पहला दूसरा तीसरा भी कर, ठीक है। उस दिन हम लोग जो क्वेश्चन किए थे उस क्वेश्चन में हम लोग एक दूसरे की विपरीत चीजों पर बात कर रहे थे। आज हम लोग जो क्वेश्चन करेंगे उसमें करना क्या है कि हम लोग विपरीत पर ना बात करते हुए अगर किसी फिगर में क्वेश्चन मार्क आ जाए और वहां पे हमसे आंसर पूछे कौन सा अंक होगा, कौन सी आकृति होगी, कौन सा अक्षर होगा या कौन सा कलर होगा, तो उस पर हमें फोकस करना है। अब हम विपरीत के केस को समझ गए, अब हम इस केस को समझते हैं। तो पहले तो आइए उसको हम रखते हैं, जैसे यहां 4, 3, 2, 6, 2, 5, 1 ले लेते हैं और यहां पर रख लेते हैं 5, 6 क्वेश्चन मार्क। अब यहां पर जैसे हम लिख दिए प्रश्नवाचक के स्थान पर, कौन सा अंक इट इज सिंपल प्रोसेस, ये बहुत सिंपल प्रोसेस है, बस इसे हमें कंटिन्यूसली फोकस करना है। देखिए जब आपके सामने इस तरीके के तीन डाइस आए, एक डाइस में क्वेश्चन मार्क रखा हो, अब मन में आपके सवाल ये हो सकता है कि सर ये बताइए क्या ये क्वेश्चन मार्क लास्ट में ही रखना जरूरी है? नहीं, आप इसे बीच में भी रख सकते हैं, स्टार्टिंग में भी रख सकते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। होने को कहीं भी आप कर सकते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है, लास्ट में ही अधिकतर होता है। अभी हमें इसे फोकस करना है। देखिए आपको ऐसे प्रश्न को करने के लिए करना क्या है, आपको जिस स्थिति में क्वेश्चन मार्क है उस स्थिति को थोड़ी देर के लिए भूल जाना है, उसे ध्यान नहीं रखना। क्या मैंने बोला? जिस स्थिति में क्वेश्चन मार्क है उस स्थिति को थोड़ी देर के लिए भूल जाना। चलिए भूल गए भाई, अब फिर क्या करना है कि जो तुम्हारे पास दो स्थितियां और बच रही हैं, फर्स्ट और सेकंड, उसके अकॉर्डिंग प्रश्नों को हल करते हैं। हल कैसे करेंगे? अभी हम इसके पहले ये वन फेस ही फोकस हो रहा है, वन फेस पे ही क्वेश्चन अभी चल रहे हैं। इसके पहले हम लोग वन फेस पढ़े थे तो हम लोग करते क्या थे, जनरली दो क्वेश्चन देते थे, दोनों क्वेश्चन में कॉमन ढूंढते थे, अकॉर्डिंग टू कॉमन के विपरीत हम आंसर करते थे। वही काम सेम यहां पर करना है, पहले आप कॉमन ढूंढिए। पहले तो ये वन फेस है,
ओके, क्योंकि एक ही अंक कॉमन है। पहले तो जो कॉमन है उसको बाहर निकाल लो, दो कॉमन है। फिर करना क्या है, कॉमन से क्लॉकवाइज रोटेशन करना है, 2 4 3, यहां भी रोटेशन करना है, 2 1 6। अब वही बात, अदृश्य अंक, अदृश्य कलर, अदृश्य आकृति प्रश्न का आंसर होगा। तो यहां पर अंक अदृश्य क्या है, 5। अदृश्य क्या हुआ, 5, मतलब छिपा अंक 5 हो गया, क्योंकि इसमें 5 कहीं दिख नहीं रहा है, तो 5 को मान लिया। अब अगर विपरीत की बात करें तो 2 का 5, 4 का 1, 3 का 6, 6 का 3, 1 का 4, 5 का 2। लेकिन बात विपरीत की नहीं किया, यहां पर क्या लिखा है, प्रश्नवाचक के स्थान पर कौन सा अंक होगा, तो हमें प्रश्नवाचक पर जाना है। हमें कहां पे जाना है, प्रश्नवाचक पर जाना है, सॉरी। अब प्रश्नवाचक पे जाने के लिए आपको एक ओपन डाइस बनाना पड़ेगा, प्रश्नवाचक पर जाने के लिए आपको ऐसे एक सुंदर सा ओपन डाइस बनाना पड़ेगा, ऐसे बना लीजिए। ओपन डाइस बनाकर जो कॉमन है उसे ऊपर रख लो और कॉमन के विपरीत को नीचे, कॉमन ऊपर, कॉमन का विपरीत नीचे, यही आपको ध्यान में रखना है। 2 को ऊपर रख दिया और उसके विपरीत को नीचे, क्योंकि 2 कॉमन है, उसका विपरीत 5 है। अब देखो, कॉमन को ऊपर नीचे भरने के बाद पहली और दूसरी स्थिति को भी फिगर में भरना है, तीसरी से कोई मतलब नहीं है, अभी हमने आपको पहले ही बोल रखा है। तो चलो, कॉमन 2 है 4 3, तो रोटेशन करो, जब घूमकर भरोगे तो पहले ये वाला कॉर्नर आएगा, यहां पर 4 भर लो और यहां पर 3 भर लो। अब यहां पर भी 2 से रोटेशन करोगे तो पहले ये कॉर्नर आएगा, ये 1 हो गया और ये 6 हो गया, 2 4 3। कहां से आया, पहले वाले फिगर से आया, 2 4 3 2 4 3। कुछ बच्चे गलती क्या करते हैं, कुछ भाई लोग गलती क्या करते हैं, ये इसको पहले ना भर के पहले इसको भर देते, नहीं, पहले हमें इसे भरना है, फिर हमें पहले हमें एडजस्ट को देखना है, फिर हमें दूर वाले को देखना है, तो पहले हम इसे भरेंगे, 2 4 3, फिर 2 1 6। अब पहले दूसरे फिगर को मैंने ओपन डाइस में भर लिया। अब इसके बाद तुम्हें करना क्या है, तुम्हें क्वेश्चन मार्क वाले अब फिगर में जाना है, और उसमें करना क्या है कि जो क्वेश्चन मार्क है वो हमेशा तीसरे नंबर पर आए, अकॉर्डिंग टू टर्म ऑफ कंडीशन इन अ क्वेश्चन, यानी जो क्वेश्चन की कंडीशन है उस कंडीशन को ध्यान में ये रखना है कि जो क्वेश्चन मार्क है वो कहीं पर भी हो, किसी भी जगह हो, किसी के साथ भी हो, वहां पर आपको करना क्या है, वहां पर आपको हमेशा उसे तीसरे नंबर पर लेकर जाना है। अब जैसे क्वेश्चन मार्क तीसरे नंबर पर तो आ जाएगा, लेकिन आएगा कैसे, देखो यहां पर अगर आप 5 को और क्लॉकवाइज रोटेशन शुरू करोगे तो क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन शुरू करोगे तो एंटी क्लॉकवाइज, तो यहां पर 5 को उठाओगे, क्लॉकवाइज घूमोगे, तभी क्वेश्चन मार्क तीसरे नंबर पर आएगा। लेकिन समस्या इस बात से नहीं है कि 5 को उठाकर क्लॉकवाइज घूमेंगे तो क्वेश्चन मार्क तीसरे, समस्या इस बात की है कि क्वेश्चन मार्क के बगल में जो अंक है उसको लेके तुम्हें आगे बढ़ना है। तो क्वेश्चन जब 5 को उठा लिया, चलो 5 को पकड़ लिया, अब 5 के बगल में क्या है, 6 है, तो आप 6 के पास चले जाओ, फिर 6 के बाद क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 5 लिया, 5 के बाद क्या है, 6 के आगे वाला क्या होगा, आंसर। मान लो यहां पर थोड़ी देर के लिए 1 होता, थोड़ी देर के लिए यहां पर 1 होता, तो 5 1 3, आंसर क्या होता, 3। यहां पर 3 होता तो 5 3 4, अगर यहां पर 4 होता तो 5 4, ये वाला इसका पड़ोसी होता तो क्या होता, 6 होता। लेकिन यहां पर ना तो 1 है, ना तो 3 है, ना तो 4 है क्या, 6, तो हमें अकॉर्डिंग टू 6 घूमना पड़ेगा, तो 5 के बाद 6, फिर क्या आ गया, 1 आ गया। अब सुनो गौर से, यहां पर पहले क्या रखे थे, 6, तो 5 6, आंसर क्या होगा आपका, 1। तो यहां पर मैं आंसर लिख दे रहा हूं, आंसर आपका क्या हुआ, एक बार और आप लोगों की सुविधा के लिए एक बार और समझाते हैं इस क्वेश्चन को, ये समझ जाएंगे तो बाकी आप इस टाइप के सवाल कर लेंगे। देखिए, ऐसे ये प्रश्न है, एक स्थिति में क्वेश्चन मार्क है, इसको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, ठीक है। अब इसको आप थोड़ी देर के लिए भूल गए क्योंकि क्वेश्चन मार्क है। अब पहली और दूसरी स्थिति को पकड़ लो, पहली और दूसरी स्थिति में कॉमन क्या है, 2, बाहर निकाल लिया, 2 से रोटेशन करो, 4 3 2 4 3,
यहाँ पर रोटेशन करो 216, दैट इज कंफर्म। अब ये पांच कहां से आया, पांच है ही नहीं विपरीत में, तो आ गया पांच। अब इधर देखो, अब ओपन डाइस बना लो, ओपन डाइस में जो कॉमन है उसे ऊपर भर लो और कॉमन के विपरीत को नीचे भर लो, दैट इज कंफर्म। अब यहां पर टू से रोटेशन करो, 243, पहले को पहले दूसरे को दूसरे, छोड़कर नहीं भरना है, फिर 216 भर दिया। अब हमने क्या कहा कि तीसरी वाली स्थिति में जाओ भरने के बाद, क्वेश्चन मार्क थर्ड पोजीशन पर आना चाहिए, आपको ये ध्यान में रखना है, चाहे वो किसी बे का क्वेश्चन हो। तो हम जब टू से क्लॉकवाइज रोटेशन करेंगे, फाइव से, क्योंकि फाइव को उठाएंगे, फाइव लिया, फाइव के बगल में क्या है, सिक्स है, फिर क्वेश्चन मार्क में चले जाएंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा, वन। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, वन होगा। ओके, जैसा कि मैं उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आया और इस टाइप के क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे, हालांकि अभी एक दो टाइप के सवाल हम और करेंगे, फिर आप इस पे प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस करने के बाद जो चीजें नहीं आएंगी उसे आप यूट्यूब चैनल माइलस्टोन के डाल देंगे और उसी पर हम लोग उस पर चर्चा कर लेंगे, देखकर हम उसे शेयर कर देंगे, आप लोग बढ़िया से उसे समझ जाएंगे। बस ना आए तो आप शेयर करके कमेंट कर दीजिए कि सर ये क्वेश्चन में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, हम उसमें आपको आंसर देने का प्रयास करेंगे। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड मान लेते हैं। चलिए चलिए अक्षर पर ए बी सी डी बी ई यहां पर रखते हैं। चलो इस बार एफ यहां रख लेते हैं, यहां पर ए रख लेते हैं और यहां पर क्वेश्चन मार्क रख लेते हैं। अब यहां पर बोल दिया कि प्रश्नवाचक के स्थान पर अक्षर होगा। चलो आप लोग कोशिश करो फिर हम बताते हैं, प्रश्नवाचक के स्थान पर कौन सा अक्षर होगा, आप लोग कोशिश करिए फिर हम बताते हैं। चलिए जैसा कि आप लोग कोशिश किए होंगे, मैं आपसे यही उम्मीद करता हूं, आइए हम भी उस कोशिश को बोर्ड पर करके आपको दिखाते हैं, फिर आप देखिए कि आपका सही है कि गलत। क्वेश्चन मार्क भूल जाना, ओके, क्वेश्चन मार्क को आपको थोड़ी देर के लिए भूल जाना है, इस वाले फिगर को आपको पुराना काम करना है, कॉमन, कॉमन क्या है, बी, कॉमन आप में बी है, कॉमन से रोटेशन कर लो बाबू, बी सी ए बी ई डी, और क्या नहीं दिख रहा है, एफ नहीं दिख रहा है। ओके, अब ओपन डाइस बना लेते हैं, पुराना काम, ओपन डाइस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसे आप समझ जाएंगे तो समझो आप पूरा डाइस समझ गए। चलिए कॉमन क्या है, बी, उसके नीचे एफ, क्योंकि उसका विपरीत है, पहले वाले फिगर में देखो बी के पास सी, फिर ए, सी ए, इसको ऐसे भर दो, फिर दूसरे वाले में बी के बाद ई फिर डी, ओके, बी के बाद ई फिर डी, इतना काम करने के बाद अब आपको करना क्या है, क्वेश्चन मार्क पे जाना है और क्वेश्चन मार्क तीसरे नंबर पर आना चाहिए, यही आपको ध्यान में रखना है। लेकिन क्वेश्चन मार्क यहां पर दिख रहा है, अगली बार यहां पर दिखा था तो पोजीशन चेंज हो गई, तो उससे मतलब नहीं, नंबर क्या होना चाहिए, थर्ड होना चाहिए, कहीं पर भी हो, चलो थर्ड नंबर का मतलब एफ को पकड़ेंगे, एफ एक से आगे बढ़ेगा, तो ये एफ है और ये है, आगे बढ़ा तो आंसर क्या होगा, सी, यानी इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, सी। एक बार फिर से, दो बार इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको बढ़िया से समझ में आए, अगर आप पढ़ें
तो आपको लगे कि हाँ आप जो पढ़ रहे हैं वो आपको क्लियर समझ में आ रहा है। इसे भूल गए, कॉमन बी है निकाल लिया, बी सी ए फिर बी डी, ओके दैट इज कंफर्म, क्वेश्चन मार्क है इसमें, इसको छोड़ दो। फिर बी कॉमन है ऊपर भर दो, उसके विपरीत को नीचे भर दो। फिर करना क्या है कि पहले वाले फिगर को भरो बी सी ए फिर बी ई डी, फिर अभी क्या करना है, ये एफ है ये ए है, क्वेश्चन मार्क करके आंसर कर लिया, तो आंसर क्या हो गया सी। चलिए देखिएगा, अभी हम लोग वन फेस के दूसरे सवाल किए जो क्वेश्चन मार्क वाले थे, सवाल तो पांच हो गए हैं, तीन क्वेश्चन पिछले वाले वीडियो में पढ़ाए थे, आप लोग उसको देख लीजिएगा, फिर इस वीडियो को देखेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। आइए हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर, वैसे तो ये छह होगा लेकिन ये प्रश्नवाचक वाला तीसरा क्वेश्चन है। देखिए अंक पर बात हो गई, अक्षर पर बात हो गई, अब कलर बचा और आकृति बची। तो अंक और अक्षर तो जनरली सब लोग कर लेते हैं, लेकिन आपको मैं समझाया इसलिए क्योंकि बेसिक चीजें समझेंगे तभी आप आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग को आकृति और कलर पे ध्यान देना है। जैसे अंक और अक्षर कर लेने का सेंस ये हुआ कि जैसे एक के बाद दो, दो के बाद तीन, चार, पांच, छह, ऐसे आप एजम्पशन कर लेते हैं, लेकिन रेड के बाद कौन सा कलर होगा ये एजम्पशन नहीं कर पाएंगे, स्टार के बाद कौन सी आकृति आएगी आप एजम्पशन नहीं कर पाएंगे, दैट इज कंफर्म। ये जब कंफर्म दिखेगा तभी आप इसे एजम्पशन भी करेंगे। आइए जैसे मान लीजिए यहां पर हम स्टार ले लेते हैं, यहां पर हम स्टार ले लेते हैं, थोड़ा से यहां पर हम स्टार ले लेते हैं एट द रेट डॉलर हैज फाइव स्टार साई हैज क्वेश्चन मार्क, फिर वही क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या होगा, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या होगा, इट इज सिंपल प्रोसेस जिसमें क्वेश्चन मार्क उसे भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, ये भूल गए अच्छी बात, स्टार को पहले ले लो कॉमन है, स्टार से क्वेश्चन मार्क एट द रेट डॉलर हैज फाइव, क्या नहीं दिखा सही, ओके ओपन डाइस फटाफट बनाओ, तो आप लोग काफी सीख गए होंगे यार मेरे भाइयों। देखिए थोड़ा से इसे हम लोग और थोड़ा गाढ़ा करते हैं ताकि आप सबको बढ़िया से दिखे। देखिए स्टार है साई एट द रेट डॉलर, कहां से आया समझ रहे होंगे आप लोग, फाई और ये ओके। अब थर्ड स्टेज में जाओ, क्वेश्चन मार्क देखो तो साई हैज क्वेश्चन मार्क हाई आंसर होगा, ओके। आइए सेटिंग का एक टाइप और बचा है कलर वाला, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, कलर पे चलते हैं, एक क्वेश्चन हम लोग और करते हैं कलर पे, फिर ये हेडिंग आपकी समाप्त हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर इसका फोर वैसे सेवन, तीसरा क्वेश्चन है
तीन क्वेश्चन पिछली वाली क्लास में। देखिए ये रेड हो गया, ये ब्लू हो गया, येलो, ये आपका ब्लू, ये ग्रीन, ये पिंक दिख रहा होगा। अब हमारा वायलेट पिंक क्वेश्चन मार्क, वायलेट पिंक क्वेश्चन मार्क, चलो कॉमन देखते हैं। कॉमन तो यार इसमें कुछ दिख नहीं रहा, दिख रहा है अच्छा ब्लू। चलो शॉर्ट फॉर्म में लिख दे, चलो शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूं, समझ लेना। ब्लू, ब्लू के बाद देखिए आप लोग येलो और रेड, ब्लू के बाद येलो और रेड, इधर ब्लू के बाद ग्रीन और पिंक, वी नहीं दिखा, वायलेट अलग है देखो, ओपन डाइस। बार बार इसलिए बता रहा हूं कि आप अच्छे से समझ जाएं। ये ब्लू वायलेट, ब्लू येलो और रेड, ब्लू ग्रीन, ग्रीन पिंक, ओके। फिर देखो, अच्छा यहां पे पूरा कर देते हैं, ब्लू वायलेट। अब वायलेट पिंक से दोस्ती करेगा, ग्रीन आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये ब्लू ये आप समझ रहे होंगे, वहां पूरा लिख दिए हैं, या कहिए इसको भी, चलो अच्छा इसको भी सही कर देते हैं, पूरा लिख देते हैं ताकि आप लोग को कोई दिक्कत ना हो। यहां पे ब्लू, येलो, रेड, ब्लू, ग्रीन, पिंक और यहां पर वायलेट, ओके। चलिए तो जैसा कि आज हम लोग वन फेस कॉमन क्लियर कर लिए, चाहे विपरीत पूछे चाहे प्रश्नवाचक पर पूछे, अब हम लोग नेक्स्ट क्लास जो करेंगे वो टू फेस की होगी, और वन फेस तो एक प्रकार से आसान टॉपिक कहेंगे, लेकिन इतना भी आसान नहीं है कि आप बिना पढ़े समझे कर लें। आप पढ़ेंगे समझेंगे तभी आप अच्छे से कर पाएंगे। देखिए करना अलग बात हुई, लेकिन क्वेश्चन के एग्जाम के जो क्वेश्चन उनको करना अलग बात हुई। आप किताबी क्वेश्चन कर लेते हैं आप जनरली इधर उधर, लेकिन एग्जाम में कभी कभी क्रिटिकल क्वेश्चन आ जाते हैं, और वो बिना किसी अध्यापक के या किसी अच्छे स्टूडेंट से समझे बिना आप नहीं कर सकते। जैसे कभी कभी स्टूडेंट इज द सेंस, कोई यार मित्र हुआ कहीं पढ़ा है वो आपको बढ़िया से समझा दे तो आप कर लें, या आप किसी अध्यापक के मार्गदर्शन में रहें तब आप अच्छा कर लें। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप बिना अध्यापक के मार्गदर्शन के नहीं कर सकते, लेकिन हाँ आप जब अध्यापक से लगकर काम करेंगे तो आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा, इसका आपको बेनिफिट मिलेगा परीक्षाओं में। और जैसा कि आज हम लोग वन फेस की तीसरी क्लास पढ़े और वन फेस कवर हो गया, अब आप लोग को करना क्या है, जब YouTube पर आप माइलस्टोन डालेंगे द माइलस्टोन कोचिंग और YouTube पर आप चेक करेंगे तो आपको डाइस 3 के लेक्चर में ये वन फेस का कंप्लीट पूरा टॉपिक मिलेगा, और उसके बाद पढ़िएगा, कॉपी पेन लेकर बैठिएगा, समझिएगा, जब समझ में आ जाए तो उसको शेयर करिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा अपने मित्रों में अपने सहयोगियों में।
और उनसे बताइएगा कि सर का हमारा ये ऑनलाइन क्लास चल रहा है, रीजनिंग का हो, मैथ का हो, हिंदी का हो, सारे टॉपिक के ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं। उनको आप शेयर करके सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। जैसा कि हम उम्मीद करते हैं आज की क्लास आपको बढ़िया से समझ में आई होगी। आज के लिए यही तक, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके, गुड नाइट, धन्यवाद।